हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजीबे। इजीबे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 में जो बजट आई है उसमें कितने इनकम पे कितने टैक्स हुआ है, ठीक है। यानी कि 2019 से लेकर 2020 के बीच में कितने इनकम के में कितने इनकम पे कितने टैक्स थे और 2020 से लेकर 2021 के में कितने इनकम पे कितने टैक्स आएंगे, ठीक है। यानी कि कितनी आमदनी पे कितने परसेंट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ये लास्ट ईयर जब बजट आई थी उसमें कितने परसेंट थे और जो 2020 में फरवरी 2020 में जो बजट आई है उसमें कितने परसेंट होंगे वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कितने इनकम पे कितने टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। आमदनी है यहाँ पे बीच वर्ष यानी 2019 लेकर 2020 के बीच में और बीच वर्ष 2020 से लेकर 2021 में, यानी कि जो 2019 में जो बजट पास हुआ था उसमें कितने परसेंट टैक्स है कितने आमदनी पे, जो 2020 में फरवरी 2020 में जो बजट पास हुई है यानी 2020 से लेकर 2021 के बीच में कितने इनकम पे कितने परसेंट टैक्स लगेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी जिन लोगों की आमदनी 2.5 लाख है, ठीक है, यानी 2.5 लाख है, उसमें 2019 और 2020 के बीच में लास्ट ईयर यानी कि 0% टैक्स था और इस 2020 से लेकर 2021 वर्ष में भी 0% होंगे। जिनकी इनकम 2.5 से लेकर 5 लाख यानी 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है उनके 5% लास्ट ईयर भी थे, इस ईयर 0%, ठीक है। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख, ठीक है। जिनकी इनकम 5 लाख से लेकर 7.5 लाख यानी 7.5 लाख है उसके लास्ट बजट में उनके उसके ऊपर 20% टैक्स लगते थे, इस बजट में 10% टैक्स लगेंगे यानी कि डिक्रीज हो गया टैक्स, ठीक है। जिनकी इनकम 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में है। अब जिनकी इनकम 7.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है लास्ट बजट में उस पर 20% टैक्स लगते थे, इस बजट में इस बजट यानी कि 2020 के बजट के अनुसार 15% टैक्स उस पर लगेगी, ठीक है। अब जिनकी इनकम 10 लाख से लेकर 12 लाख 10 लाख से और 10 लाख से लेकर 12.5 लाख के बीच में है उस पर लास्ट बजट में 30% टैक्स लगते थे, इस बजट में यानी 2020 के बजट में 20% टैक्स लगेंगे, ठीक है। जिसकी आय 12.5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है, जिसकी आय 12.5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है लास्ट ईयर उस पर 30% का टैक्स लगता था यानी कि 2019 के बजट में, और 2020 के बजट में आपको 25% टैक्स लगेगी यानी इसमें भी डिक्रीज हुआ 5% से, ठीक है। और जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है यानी कि सालाना 15 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है उस पर लास्ट ईयर भी 30% टैक्स लगता था, इस ईयर भी 30% टैक्स लगेंगे। तो यानी कि इसमें बहुत राहत हुआ है कि जिसकी इनकम 5 लाख यानी 12.5 लाख से लेकर 15 लाख उसमें 5% का डिक्रीज हुआ है, जिनका इनकम 10 लाख से लेकर 12.5 लाख के बीच में उसमें 10% का डिक्रीज हुआ है, 10% कम टैक्स लगेंगे। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में 5% डिक्रीज हुआ है, 5% कम टैक्स लगता, पहले 20% लगते थे अब 15% लगेंगे, ठीक है। आम लोग जिसका कि 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में होता था पहले 20% लगते थे अब उस पर 10% डायरेक्ट आधा हो गया, 10% ही टैक्स लगेंगे, ठीक है। और जिनकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख है उस 5 लाख के बीच में उन पर 0% यानी 1% टैक्स नहीं लगेंगे। तो ये 2020 के बजट का ये रहा कि कितने आमदनी पे कितने परसेंट टैक्स लगेंगे, गवर्नमेंट कितने परसेंट टैक्स लगाएंगी आम आदमी के ऊपर, ठीक है, उनकी आमदनी के ऊपर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ मन में डाउट होगा, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।